भैया ने हमें सब कुछ बता दिया है। कैसी माँ हो आप? ऋतिक भैया के पेट पे ही आपने खंजर घोंप दिया? भाभी आप इतना गिर जाओगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। आपने अपने बेटे को टपका दिया, मार दिया उसे। आजकल कितना सीरियस रहती हो ना माँ आप। माँ सॉरी सॉरी सॉरी, माफ कर दो, हम मजाक कर रहे थे। माँ कहते हैं सुबह के सपने सच होते है ना माँ। लेकिन ये सपना सुबह का हो या रात का, लेकिन ये कभी सच नहीं होता है ना माँ। अच्छा सॉरी माँ, अब तो माफ कर दो। सॉरी भाभी। अच्छा बहुत मजाक हो गया, आई हैव अ ग्रेट न्यूज फॉर यू ऑल। मुझे एक बहुत ही बड़े इवेंट का असाइनमेंट मिला है, अजहर द ग्रेट मूवी ऑन क्रिकेट, उसको प्रमोट मैं करने वाला हूँ। बजाओ ताली। सुपर। आप सबको आना पड़ेगा, ओके? ऑब्वियसली हम आएंगे। एंड वन मोर थिंग, यू नो व्हाट, हमारे घर में सबसे बड़े क्रिकेट फैन तो आप ही हो, और ये मूवी का तो हीरो ही क्रिकेट है। तो मैं चाहता हूँ कि इस सुपर इवेंट को और बड़ा करने के लिए प्लीज आप मुझे थोड़े से टिप्स, थोड़े से आइडियाज क्यों नहीं देते? दोगे ना भैया? ऑफ कोर्स दूंगा। अरे इवेंट कल है और मुझे बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी है, प्लीज मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत सारे कॉल्स करने हैं, ओके? कल तो बहुत बड़े बड़े स्टार्स आएंगे ना। हाँ। रम्या आंटी प्लीज मेरी मदद करिए ना, मेरी ड्रेस सिलेक्ट करने। हाँ, चलो ना। मुझे भी लेके जाओ। सौतेली माँ में भी माँ आता है, लेकिन आपने माँ शब्द को ही शर्मिंदा कर दिया। नजरें क्यों छुपा रही हैं? पाप करते वक्त तो नजरें नहीं चुराई? मैंने आपको भगवान समझा और आपने मुझे नागमणि लाने वाला एक मामूली इंसान, इसीलिए पाल पोस कर मुझे बड़ा किया। आपका प्यार धोखा है, धोखा। सुना है मां अपने बेटों के लिए कुर्बानियां देती हैं, आपने तो मेरी कुर्बानी ले ली। आपने उन सारी माओं को मार डाला जो हर एक बेटे के जहन में होती है। आपके एक एक वार से वो मां मेरे सामने आई जो मां के नाम पे कलंक है, कलंक। आज आपके सारे बच्चों के मुंह से अपना सच सुनकर जो आपकी हालत हुई उसे देखकर एक सच सामने आया कि इस डर का आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा? कैसा होगा मां जब आपको अपना असली चेहरा दिखाई देगा? और कितनी बार मारोगी मुझे? एक बार नहीं, दस बार नहीं, हजार बार मारूंगी, जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक मारूंगी मैं तुझे। मैं तो पहले ही कितनी बार मर चुका हूं, एक बार दरिया किनारे या किनारे, और दूसरी बार जब आपने बाथरूम में गोलियां चलाई थी तब। जितनी बार मारना है मार लो, आत्मा कभी मरती नहीं। Thank you.
ऋतिक कहाँ गायब हो गया? वो कहाँ चला गया? ये ऋतिक कौन है? ये कौन है? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मुझे कौन है ये? देखिए आत्मा अंगद, ये देखो ना सारी प्रिपरेशन कैसी लगी आपको? I'm so nervous. मुझे पता नहीं था कि मेरा छोटा सा भाई इतना बड़ा हो गया है। तेरे अंदर कोई बात जरूर है जो उन्होंने तुझे इतना बड़ा इवेंट हैंडल करने के लिए दिया। और देख तूने कितने ब्यूटीफुली सब कुछ ऑर्गेनाइज किया है। वेरी गुड। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प भैया। आपके बिना तो ये सब पॉसिबल ही नहीं था। थैंक यू। दी, आपके लिए पार्टी मतलब पीने का बहाना ना? राइट। मेरे लिए पार्टी मतलब इमरान हाशमी। आई एम तो वेरी एक्साइटेड दी। आज तो मैं इमरान हाशमी के साथ ढेर सारे ऑटोग्राफ और सेल्फीज लूंगी। एंजॉय एंजॉय। इट्स फैंटास्टिक। इट्स ब्यूटीफुल। इवनिंग तो खूबसूरत होने ही थी क्योंकि हमारे साथ हैं द ग्रेट इमरान हाशमी, द फेमस लारा दत्ता और आप तो सबकी फेवरेट हुई प्राची देसाई। थैंक यू। और आपकी फिल्म अजहर आने से पहले ही खूब धूम मचा रही है। लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। थैंक यू। बताइए कुछ अजहर के बारे में। इस फिल्म में अपने किरदार के बारे में बताइए। वेल, मैं इस फिल्म में अजहर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और आपने डायलॉग तो सुना होगा। मैं तीन चीजों के लिए फेमस हूँ। एक, खुदा को मानता हूँ। दो, शादी हुई है मेरी। और तीन, मैच फिक्स करने के इल्जाम है मुझ पर। और मैं इस फिल्म में एक लॉयर का किरदार निभा रही हूँ। जब अजहर को लगा कि उसके खेलने के दिन कम हैं, तो उसने पैसे लेकर खेलना शुरू कर दिया। तीन मैचेस में बुरा खेलो और फिर एक आधे मैच में अच्छा, ताकि पैसे भी मिले और टीम में जगह भी। बड़े ऑलराउंडर हैं आप। मुझसे बड़ी ऑलराउंडर तो आप हैं। लॉयर भी हैं, जज भी। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूं। जो कुछ तुम्हारे बारे में लिखा है सब पढ़ा है मैंने। हर मैच देखी है तुम्हारी। मुझे ऐसा क्यों लगता है मीरा जी, जैसे आप मेरी बहुत बड़ी फैन है? सच दब सकता है लेकिन छुप नहीं सकता। और सच ये है कि अजहर ने अपनी टीम को, अपने देश को और अपने हजारों फैंस को धोखा दिया है। धोखा देने वाले तो पकड़ में नहीं आते मीरा जी। मैं तो खुद आपके कोर्ट में आऊंगा 13 मई को। उस दिन जजमेंट होगा और जज होंगे आप सब। लव हिम, जज हिम ऑन द 13th of May। थैंक यू। ऋतिक, पता लगाना होगा ऋतिक क्या करने वाला है। ऋतिक क्या कर रहा है? मुझे शिवन्या से अभी मिलना होगा। उसे बताना होगा कि यामिनी कुछ करने वाली है। यहाँ पार्टी चल रही है और आप इतना परेशान? कौन है? नहीं तो मैं आपको ढूंढ रही थी। मुझे फैन? बहुत बड़ी फैन हूँ मैं आपकी। वैसे तो आपके हजारों लाखों फैन होंगे लेकिन सबसे बड़ी फैन तो मैं हूँ। हाँ, सुपरहिट सीरियल दिया आपने, अब आपकी एक सुपरहिट फिल्म रिलीज होने जा रही है अजहर जी। कमाल के एक्ट्रेस है आप, कमाल की कामयाबी हासिल की है आपने। हाउ स्वीट। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ।
आप कुछ लीजिए ना, मैं अभी आती हूँ। या ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। हाय या अमोनिका। प्राची। हाय प्राची। शिवान्या हाय। वो कौन थी? मेरी सास। ओ सास, इसका मतलब इनसे तो सबको डरना चाहिए राइट? आज तुमने मुझे बचा लिया, थैंक यू सो मच। नॉट एट ऑल। कौन कर रहा है? कौन है यार? लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, दूध में बताशा सुनना करे तमाशा। लोरी, हाँ, तुझे लोरी सुनी है? मैं सुनाती हूँ ना, मुझे याद है। लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, दूध में क्या था? ए बताना, ये बताना दूध में क्या था, मैं भूल गई। दूध में बताशा मुन्ना करे तमाशा, मुन्ना करे तमाशा। मुझे ना, मुझे वो धापुड़ी नहीं चाहिए धापुड़ी, तू रख। हाँ तेरी कसम, यहाँ से चली चुकी। मुझे बहुत डर लग रहा, वो डरेगा मुझे। तू मुझे छोड़ दे, चला जा यहाँ से, चला जा। मैं अगर आपको छोड़ भी दूंगा तो भगवान आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हा? आपको अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। भुगतूंगी। मैं अकेली अबला नारी, तू मुझे मत मार। मुझे माफ कर दे। कहाँ चला गया ऋतिक? हमारा प्लान सफल हो गया। यामिनी पागल हो गई, अपने होश खो बैठी है। आज मैं तुमसे कहता हूँ शिवन्या, उस यामिनी ने तुम्हारे माँ बाबा को मारा ना, जाओ और अपना इंतकाम। वक्त आ गया उसके अंत का।